ये और मुठभेड़ों की फिर एक बार चार साल शुरू हो गया चुनाव के लेकर। खैर मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं सासाराम आई हूँ। बीच में कोरोना था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा मुझे याद आते हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें और 100 वर्ष से भी ज़्यादा इस पृथ्वी पर वो समय बिताएं। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जो मेरा हृदय है उसके अंदर सासाराम के लोग रहते हैं। मैं कितनी बाबूजी के समय से यहाँ से एक संबंध बना है, बहुत पुराना संबंध बना है, पारिवारिक संबंध बना है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया है, कितना लाभकारी होगा मैडम? ये लाभकारी है, इसीलिए ये जनगणना की जा रही है। कितना फायदा पहुंचेगा देश स्तर पर होना चाहिए? देश स्तर पर जो पिछड़ गए हैं, जो दब गए हैं, जो आगे नहीं आ पाए हैं, सबको लाभ होगा। गठबंधन को लेकर लगातार बोला जा रहा है कि मतलब गठबंधन तो बहुत ही सद्भावपूर्ण है, उसमें सब इकट्ठे हो गए हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे दल एक साथ आ जाएं और देश के हित में कार्य करें। मैडम